सिंगरौली में चितरंगी में ग्रामोदय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज करवाई। इस दौरान जहां लोगों ने ग्राम पंचायत पर रोजगार को लेकर आरोप लगाए, वहीं पंचायत ने इसे सिरे से नकार दिया है। खुरमुचा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामोदय शिविर में लोगों द्वारा अपनी समस्याएं दर्ज कराई गई। इसी कड़ी में ग्रामीण हजरत मोहम्मद ने पंचायत पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसे पंचायत द्वारा रोजगार नहीं दिया जाता है, जबकि उनके जॉब कार्ड में उपस्थिति दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता हजरत मोहम्मद ने बताया कि इनकी हाजिरी पंचायत सचिव द्वारा भरकर राशि आहरण की गई है। भरा का भरा हुआ है, हम लोगों को निकालते हैं तो पैसा पता नहीं कहां जाता है। पंचायत में जब रोड तालाब का काम चलता होगा तो किससे करवाते हैं काम? जेएसपी से करवाते हैं, या रेजा मजदूर बुला के फिर पत्थर वत्थर छिटकवाते हैं, बाकी सब काम जेएसपी से होता है। ब्लॉक से कोई प्रमाण? आप पंचायत में कभी काम नहीं किए? कभी नहीं सर, काम ही नहीं मिलता है। जॉब कार्ड में जो हाजिरी दिखा रहे हैं कैसे लगा? ये हाजिरी कोई पता नहीं हम लोगों को, जॉब कार्ड सादा रखा हुआ है, ये कंप्यूटर से निकलवाए तो भरा हुआ है सर। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सचिव श्याम सुंदर सोनी से सवाल पूछने पर सचिव ने बताया कि हजरत मोहम्मद द्वारा पंचायत पर लगाया गया आरोप निराधार है। पंचायत द्वारा किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई है। सचिव का कहना है कि पीएम आवास में हजरत मोहम्मद को मजदूरों के नाम पर रोजगार सहायक सचिव कामता प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भुगतान कराया गया है। श्याम सुंदर सोनी ने हजरत मोहम्मद के आवास की मास्टर छाया प्रति भी दिखाई। सचिव ने कहा कि खुरमुचा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सचिव श्याम सुंदर सोनी ने कहा कि आज ग्रामोदय शिविर में जो भी आवेदन पड़े हैं, शीघ्र ही उनके समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हजरत मोहम्मद हैं, वो उनका पीएम आवास का काम उनको मिला। अच्छा। और उनको पूर्ण मजदूरी दी गई है जी, और जी, उनके खाते में जी गया है, पैसा गया है। गांव की रंजीश है, रंजीश की वजह से कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, उनको उसका मास्टर रोल भी उपलब्ध करा दिया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।